हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से यूनिक टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको मस्से या तिल की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो आज मेरे पास में दवाई है, ये होम्योपैथिक है, जो कि तिल और मस्सों को हटाने का काम करती है। तो इसके बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को देखें। मैं ऐसी दवाइयों से रिलेटेड वीडियो का ही बनाता रहता हूं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को। तो यहाँ पर इसका ब्रांड नेम आप देख सकते हो, जो कि है थूजा, और नीचे भी लिखा हुआ है फॉर पॉलीपी एंड ट्यूबरसेल्स वार्ट्स। तो यहाँ पे ये होम्योपैथिक दवाई आपको मिल जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि ये आपको कैसा भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होगा। और इसकी जो क्रीम की जो नेट वेट है वो है 25 ग्राम की पैकिंग में आपको मिल जाती है। होम्योपैथिक बनाने वाली सबसे फेमस कंपनी है ये SBL। तो इसका प्राइस भी जान लेते हैं। तो प्राइस जो है इसका वो है 56 रुपये। और यहाँ पे इसके केमिकल कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर में है थूजा ऑक्सीडेंटल्स और वाइट पेट्रोलियम पैराफिन लेनोलिन। तो ये कुछ इसके अंदर में कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, कि इसका यूज़ जो है वो कैसे किस किस परेशानी में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है गर्दन पे या फेस पे जो है तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ही शरीर में जो है पाँव में या फिर हाथों में जो गांठ पड़ जाती हैं तो उनको भी जो है ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो गिल्टी होती है उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो गिल्टी को भी हटाने के लिए ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही अच्छा है। और इस तरह की परेशानी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी है नहीं, होम्योपैथिक है। और डोज की बात करें तो नॉर्मली इसका यूज़ जो है वो सुबह शाम या जनरली 3 बार भी किया जाता है कभी कभी, और वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के अनुसार ही इसका यूज़ करें। और ये ऑइंटमेंट जो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके बाद इससे रिलेटेड इतनी ही जानकारी थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।